नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उन पर पलटवार किया। सत्यपाल मलिक ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ गोवा पर्यटन पर बातचीत में जम्मू कश्मीर के अपने कार्यकाल के दौरान की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव, लेकिन इन दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के दबाव में चुनाव लड़ने से इनकार किया। आतंकियों ने भी धमकी दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। पीएम ने लाल किले से बोल दिया था कि हम पंचायत के चुनाव कराएंगे। जब मैं वहां गया, इन पार्टियों के मैं प्रोटोकॉल तोड़ के उमर के घर और महबूबा के घर गया और मैंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है चुनाव, बल्कि इन्होंने अपने उमर के जो फादर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये हमारे लिए हैं, लेकिन वो लोग उसमें पाकिस्तान के दबाव में उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। इसी तरह से टेररिस्ट ने कहा कि जो हिस्सा लेगा उसको हम मार देंगे। हुर्रियत ने बायकॉट किया, सब ने बायकॉट किया, लेकिन हमने चुनाव कराए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई एक आध जगह को छोड़ के, और एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई पूरे चुनाव में। वहाँ एक एक चुनाव में फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बाई इलेक्शन था श्रीनगर में, 9 लोग मरे थे एक दिन में, और बड़े चुनाव में तो बहुत लोग मरते थे, कोई एक कैजुअल्टी नहीं हुई। उससे बड़ी बात, 370 हटने के बाद 2 महीने में वहाँ एक भी गोली हमारी सरकार को किसी पे फायर नहीं करना पड़ी। पथराव पूरी तरह से रुक गया था, नई भर्ती टेररिस्टों की पूरी तरह रुक गई थी। श्रीनगर शहर के तो आसपास टेररिस्ट आता हुआ डरता था, तो और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमको पब्लिक में सपोर्ट मिल गई थी, सिस्टम को, लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री तुम्हारे हक के आदमी हैं, तुम्हारे हक में काम कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा होगा, तुम झगड़ा मत करो। सत्यपाल मलिक के इस बयान पर पलटवार करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, केवल नाम का सत्य काम का नहीं, वो कभी झूठ बोलते नहीं थकते। 5 अगस्त से पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों से झूठ बोला और अब झूठ बोल रहे हैं। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे। वो अक्टूबर 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद गोवा के राज्यपाल बने थे।